नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सब लोग अच्छी प्रकार से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जय प्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं साइट्रस की एक ऐसी प्रजाति दिखाने वाला हूं जिसका प्लांटेशन अगर आप अपने खेतों में करेंगे या अपने टेरिस गार्डन में करेंगे तो उसका स्वाद मीठा ही होगा और बहुत ही अच्छी ये साइट्रस की वैरायटी है और माल्टा की वैरायटी है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिल सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करता हूं स्टार्ट। दोस्तों, सामने जो प्लांट आप देख रहे हैं ये माल्टा की एक प्रजाति है और बहुत ही अच्छी प्रजाति है और आप देख सकते हैं कि इसमें ये फ्रूट लगे हुए हैं। और आपको मैं पहले फ्रूट दिखा देता हूँ और सब कुछ बताऊँगा कि पौधा मैंने कब लगाया था, कितना समय मैंने इस प्लांट को दिया। और इसमें देखिए ये फ्रूट लगा हुआ है और ऐसे ही करके मेरे पास मौसम्मी की भी प्रजाति है, ये देख सकते हैं इंडियन मौसम्मी की। और इसका फ्रूट आप देख सकते हैं, साइज़ देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ के हो गए हैं। मैं आपको हाथ में भी लेके दिखा दे रहा हूँ, ये फ्रूट नहीं गिरने वाले, पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं और यहाँ भी लगा हुआ है और ये लगा हुआ है टिन के कंटेनर में। लेकिन मैं आज जिस प्लांट की बात कर रहा हूँ वो है ये साइट्रस की प्रजाति और इस प्रजाति का नाम है दोस्तों बारीवन स्वीट माल्टा। और ये माल्टा की प्रजाति है और मेरे पास माल्टा की दो प्रजातियां हैं, एक है वियतनाम माल्टा और एक है बारीवन माल्टा। दोनों में डिफरेंस इतना है कि साल में दो बार होता है वियतनाम माल्टा और साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। और बारीवन माल्टा जो कि आप सामने देख रहे हैं इसका साइज़ जो है ऑन एवरेज होता है और बहुत ही खाने में मीठा होता है। और बस ये साल में एक ही बार होगा, जनवरी में इसमें फ्लावरिंग आती है और इसका फ्रूट जो है अक्टूबर तक ये पक जाता है। बहुत बढ़िया ये वैरायटी है, आप देख सकते हैं। और मैंने इसे लगा रखा है करीब 18 इंच के प्लास्टिक के पॉट में। तो प्लास्टिक के पॉट में सिट्रस प्लांट आप देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टिन का कंटेनर, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन बाद में आपको शिफ्ट करना होगा। और पहले मैंने इस प्लांट को छोटे से पॉट में लगा रखा था, इसमें बहुत सारे फ्रूट आए हुए थे लेकिन सारे फ्रूट नहीं रुक पाए। कारण क्या है, ये प्लांट अभी छोटा है और मैंने फर्स्ट टाइम इसमें फ्रूटिंग ली और एक साल का ये प्लांट हो चुका है। और इसे मैंने लखनऊ की एक लोकल नर्सरी से परचेज़ किया था और इसकी खासियत ये होती है इसमें सिक्के का निशान होता है, आप देख सकते हैं ये सिक्के का निशान, देखिए यहाँ पर हर फ्रूट में एक सिक्के का निशान होगा। और मौसम्मी में भी होता है लेकिन ये जो बारीवन स्वीट माल्टा आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें देखिए ये सिक्के का निशान। और बारीवन एक अच्छी प्रजाति है और जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं अगर फार्मिंग करना चाहें तो बारीवन स्वीट माल्टा एक बेस्ट ऑप्शन है और साथ में वियतनाम माल्टा भी एक बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन वियतनाम माल्टा साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, कमर्शियल थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसका साइज़ जो है 200 से 300 ग्राम तक होता है तो बाज़ार में जल्दी बिक जाता है और वो करीब 400 से 500 ग्राम हो जाता है तो थोड़ा कह सकता हूँ कि बड़े नींबू के आकार का हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन सबसे जो बेस्ट वैरायटी है वो है बारीवन स्वीट माल्टा आपके सामने है। और इस प्लांट को एक साल हो चुका है जैसा कि मैं बता चुका हूँ और जब इसका स्टेम मोटा हो गया, फ्लावर तो पिछली बार भी आया था लेकिन जब इसका स्टेम मोटा हो गया यानी कि फल होल्ड करने की इसकी जो क्षमता है वो इस प्लांट में जब आ गई तभी फल होल्ड हो पाया। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ये प्लांट ग्रोथ कर रहा है और नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग होगी और बहुत अच्छी तरीके से ये पौधा चलेगा। जब हम पौधा लगाते हैं तो वैरायटी का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं अपने चैनल पर वैरायटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जानकारी देता हूं ताकि आप लोगों को कभी धोखा ना हो। क्योंकि हम पौधा लगाते हैं उसमें टाइम लगता है और बाद में जब हमें मालूम चलता है कि हमारा ये पौधा जो मैंने बाई किया था जिस वैरायटी को लेकर वो नहीं निकला तो बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत से ऑनलाइन नर्सरी वाले या बहुत सारे ऐसे जो लोकल नर्सरी वाले हैं पौधा गलत दे देते हैं या बीज से उगा पौधा आपको पकड़ा देते हैं तो प्रॉब्लम आती है। और बीज से लगे हुए पौधे में आप समझ सकते हैं कि फल आने में कितना समय लगता है, 5 से 7 साल लग जाता है और वो बात भी नहीं रहती। अब चूँकि आपको मैं दिखा दूं कि मैंने ये ग्राफ्टेड प्लांट लिया था तो इसलिए मैं आश्वस्त था कि ये जो मैं पौधा ले रहा हूँ ये सही है, तो मैं आपको इसका ग्राफ्टेड पोर्शन भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख लीजिए, ये ग्राफ्टेड प्लांट है और इसकी जो उम्र है वो 1 साल हो चुकी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो पौधा है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रूटिंग देगा। क्योंकि मैं टेरेस गार्डन में इस प्लांट को लगाया हूँ, अगर ये ज़मीन में ये पौधा होता तो और तेज़ी से ग्रोथ करता और ज़्यादा फ्रूटिंग हो पाती। क्योंकि मैंने गमले में लगाया हुआ है तो उसी हिसाब से थोड़ी सी ग्रोथ
19-20 होती है गमले में। अब ऐसा नहीं है कि गमले में ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं ली जा सकती, बढ़िया बढ़िया फर्टिलाइज़र आप दीजिए और कह सकता हूँ कि पौधे को अच्छा अच्छा खाना दीजिए तो पौधा भी आपको बढ़िया बढ़िया फल देगा। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है पौधे का। जब आप पौधे का अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे तभी उसकी जो ग्रोथ है वो हो सकेगी। अब मैं फर्टिलाइज़र की दोस्तों बात करूँगा कि मैं इस पौधे को कौन कौन से फर्टिलाइज़र देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। सबसे पहले जो मेन फर्टिलाइज़र है वो है वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों 3 महीने में एक बार मैं इस प्लांट को वर्मी कंपोस्ट देता हूँ। और कितना देता हूँ, फिलहाल 1 से 2 किलो के आसपास मैं वर्मी कंपोस्ट देता हूँ। और साथ में मैं उसमें कुछ लकड़ी की राख, यानी कि मेरे पास लकड़ी की राख है, मैं वो देता हूँ। अगर आप चाहें तो केमिकल फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग आप कर सकते हैं साइट्रस प्लांट में, और बोन मिल का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि नॉनवेज फर्टिलाइज़र है, बोन डस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, सिंक की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो फ्रूट प्लांट छत पर उगा रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। तो वर्मी कंपोस्ट, लकड़ी की राख और एक जो माइक्रोन्यूट्रेंट आता है जिसका नाम है सीविट एक्सट्रैक्ट, वो मैं प्रयोग करता हूँ 15-15 दिनों पर, जिसके कारण ये जो मेरे पौधों की पत्तियाँ आप देख रहे हैं हरी भरी हैं। कोई भी मेरा पौधा ये देख सकते हैं मेरे टेरेस गार्डन में, जो भी मेरा पौधा है वो आपको हरा भरा दिखाई देगा। मेरे छत के ऊपर कोई भी ग्रीन शेड नहीं है, ये देख सकते हैं खुला आसमान है, कोई भी ग्रीन शेड नहीं है। और मैं आपको सारे पौधे दिखा रहा हूँ, ये देखिए लाइन से सब हरे भरे हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इन प्लांट को। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होती नहीं है धूप से, अगर ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो पौधों की पत्तियाँ झुलस जाती हैं टेरेस गार्डन में। तो फिलहाल मैं ग्रीन नेट इस वक्त नहीं लगा पा रहा हूँ। और जो लोग पौधे को थोड़ा बचाना चाहते हैं वो कौन से पौधे होते हैं मैं बता रहा हूँ। जिन पौधों को आपने अभी नया नया प्लांटेशन किया है उनको धूप में कतई ना रखें, वरना वो पौधे सूख के ख़राब हो जाएंगे। ये जो पौधा है मेरा पुराना पौधा है, अगर 45 डिग्री टेम्परेचर है तो भी ये पौधा झेल लेगा। मैं इस वीडियो में आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे पौधे पुराने हैं मैं उन्हीं को धूप में रखता हूँ और जो नए पौधे होते हैं उनको मैं ग्राउंड फ्लोर पर, यानी कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा सेकंड फ्लोर है, मैं ग्राउंड फ्लोर पर उन पौधों को शिफ्ट कर देता हूँ ताकि वो पौधे धूप से अच्छी तरीके से बच सकें। क्योंकि जो मई जून की धूप होती है वो नए पौधों को झुलसा देती है, मार देती है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, ऑनलाइन पौधा बाई करते हैं या फिर लोकल नर्सरी से लेके आते हैं, गमले में लगाते हैं और धूप में रख देते हैं नए पौधे को, और क्या होता है वो पौधा डेड कर जाता है। वो यही कारण है, चाहे वो आम का पौधा हो, चाहे अंगूर का पौधा हो, चाहे चीकू का, चाहे नींबू का, अगर आपने पौधे को एक सीजन यानी कि पहली गर्मी से बचा लिया धूप से तो वो पौधा आपका आने वाले समय में बढ़िया तरीके से चलेगा। जैसा कि मेरा ये बारीवन स्वीट माल्टा का पौधा चल रहा है, मौसमी का पौधा चल रहा है, बेर का पौधा चल रहा है, और ये अमरूद का पौधा भी आपको दिखा रहा हूँ, ये भी धूप में ही रहता है। और इसकी ग्रोथ देखिए, इसकी फलन देखिए, कुछ भी नहीं देता हूँ, जो नॉर्मल फर्टिलाइज़र होते हैं जो आप लोग देते हैं मैं वही फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ। और ग्रोथ देखिए बहुत बढ़िया तरीके से, मेरा चीकू का पौधा भी चल रहा है आप देख सकते हैं। ये हर तरह से मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ दिखाने की, समझाने की कि फर्टिलाइज़र अच्छी तरीके से आप लोग दें और जो नए पौधे हैं उनको कतई धूप में ना रखें, सेमी शेड एरिया में रखें पहली बार, अगले साल आप उसको धूप में रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अब मैं पानी की बात करूंगा। जब जनवरी फरवरी में इसमें फ्लावरिंग का समय होता है साइट्रस प्लांट में तो आपको पानी बहुत ही कम देना है, कह सकता हूँ पानी को आपको रोकना है। कारण क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए साइट्रस प्लांट में या गुआवा प्लांट में पानी को नियंत्रित करना पड़ता है। और पानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल देना ही नहीं है, पानी इतना देना है कि मिट्टी बिल्कुल सूखने ना पाए और पौधा भी स्वस्थ रहे। तो पानी को रोकना है तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और मैंने यही किया था और बहुत सारे फूल आए थे और उसी के कारण इसमें जो है कुछ फ्रूट लग पाए हैं। दोस्तों जैसे ये जून का पहला दिन है तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वक्त धूप तेज़ है यानी 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, कहीं कहीं का 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो इससे क्या होता है कि जो पौधे होते हैं नए पौधे वो जल जाते हैं और जो पुराने पौधे होते हैं उसमें पानी की कमी हो जाती है। और अक्सर लोग गलती करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या गलती करते हैं। जैसे कि ये गमला है तो लोग पाइप से पानी देते हैं, मैं बिल्कुल सटीक और सच्ची बात बता रहा हूँ, पाइप से पानी देते हैं और थोड़ा पानी देने के बाद
आइडिया होता नहीं है और पानी के पाइप को वो हटा देते हैं। नतीजा क्या होता है दोस्तों, इस गमले में अगर 10 किलो मिट्टी है, समझने की कोशिश करिएगा, इस गमले में अगर 10 किलो मिट्टी है तो पानी सिर्फ 5 किलो मिट्टी तक पहुंचता है और नीचे की जो मिट्टी होती है वो ड्राई रह जाती है और जो रूट्स होती हैं वो धीरे धीरे सूखने लगती हैं। ये आम के पौधे में भी होता है, ये सभी पौधों में भी होता है। आपको फुल वाटरिंग करनी है, डीप वाटरिंग करनी है। अगर आप डीप वाटरिंग करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जैसे मेरा पौधा हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ, वैसे आपका भी पौधा हरा भरा दिखाई देगा। और जो पुराने पौधे हैं वो मरने वाले नहीं हैं, क्यों? क्योंकि आप उनको अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पानी दे रहे हैं। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप उनको अच्छी तरीके से जब फर्टिलाइजर देंगे, पानी देंगे, समय समय पर कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो पौधा मरने वाला नहीं है, सालों साल आपके यहाँ वो पौधा गमले में चलेगा। खाली प्रूनिंग करते रहिए, रूट की प्रूनिंग करिए, प्लांट की प्रूनिंग करिए, उसको अच्छे से फर्टिलाइजर दीजिए, कीटनाशक दीजिए, फंगिसाइड दीजिए, पौधा अच्छी तरीके से चलेगा। मैं इस पौधे पर 1500 ppm का नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ, कीटनाशक जो ऑर्गेनिक है बढ़िया तरीके से काम करता है। फिलहाल कुछ पत्तियाँ आप देख सकते हैं, कुछ कीट मकोड़े खा गए हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नीम ऑयल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ है। और कुछ समय पहले मैंने अभी ये पीछे प्लांट लगे हैं बेर के, इस पर भी नीम ऑयल का स्प्रे मैंने किया था। अगर आप चाहें तो कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बारीवन स्वीट माल्टा के प्लांट को आपके सामने दिखाया और समझाने की कोशिश की कि मैंने इस प्लांट को कब लगाया था और इस वैरायटी के बारे में बताया, ये वैरायटी कैसी है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।